गुड मॉर्निंग। आज का विषय है उपभोक्तावाद। डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। सेकंड ईयर का यह टॉपिक है आपका, सेकंड प्रश्न पत्र का, भारतीय समाज और उसके मुद्दे जो हैं उसकी चर्चा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। वर्तमान में अगर हम भारत की संस्कृति को देखें तो हम कहते हैं यह एक उपभोक्तावादी संस्कृति बन गई है। आध्यात्मिक संस्कृति के स्थान पर यह उपभोक्तावादी संस्कृति बन गई है। तो अब उपभोक्तावादी संस्कृति के अंतर्गत दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो उपभोक्ता क्या है और एक उपभोक्तावाद की क्या प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहे हैं, उन सबकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखें उपभोक्ता या कंज्यूमर कौन है। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। उपभोक्ता को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनका उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात हर वह व्यक्ति जो कुछ सामान को खरीदता है अपने उपयोग के लिए या दूसरे के लिए, तो वह उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जरूरी है कि आप उसके लिए पैसा चुकाएं। उपभोक्तावाद या उपभोगवाद अर्थात कंज्यूमरिज्म एक प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। इस शब्द का प्रयोग प्रायः भोगवाद की आलोचना करने के लिए किया जाता है। उपभोक्तावाद या उपभोगवाद की जो शब्द है वह इस प्रयोग में लाया जाता है। तो उपभोक्तावाद के अंदर यह कि व्यक्ति अधिक से अधिक वस्तुएं अपने आराम के लिए खरीदना चाहता है और उसको लगता है कि ये सब वस्तुएं अगर उसके पास होगी तो उसको बहुत आराम मिलेगा और उस आराम से उसको बहुत अधिक खुशी जो है, सुख जो है वह प्राप्त होगा। भारत में अगर हम बात करें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 24 दिसंबर 1986 को संसद द्वारा पारित किया गया था और इसी तारीख को अर्थात 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 2019 में पारित किया गया था। 86 वाला जो अधिनियम था उसमें कुछ संशोधन किए गए और एक नवीन जो अधिनियम है उसको पारित किया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को और अधिक अधिकार प्रदान किए गए। तो यह 2019 में संसद के द्वारा पारित किया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है वह क्या कहता है। सबसे पहले उसमें देखें कि वह उपभोक्ता को कैसे परिभाषित करता है। उसके अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। ठीक है, तो आप स्वयं जो है वह अपने उपभोग के लिए वस्तु को खरीद रहे हैं तो आप उसको उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा उसके अंतर्गत उसमें अंतर किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधी खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। क्योंकि आज का जो ज़माना है वह ऑनलाइन परचेजिंग का ज़माना आ गया है। हम ऑनलाइन बहुत सामान खरीदते हैं, तो ऑनलाइन सामान आप कुछ खरीदते हैं तो भी आप उसके उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं। इस अधिनियम या बिल की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकारों को स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होंगे। पहली बात, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए
जोखिमपूर्ण है। अर्थात कोई वस्तु ऐसी आपको मिली है जिससे आपके जीवन को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, जोखिम पहुंच रहा है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। आप किसी भी वस्तु का मूल्य जान सकते हैं, कितना है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी शुद्धता क्या है, उसकी मात्रा कितनी है। अगर जो लिखी हुई मात्रा है, जो कुछ उसने कहा है, अगर उससे कम है तो आप उन सब चीज़ों की शिकायत कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना। जब आप चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कलाकार प्रतिस्पर्धा वहाँ पर चलती है, तो आपको प्रतिस्पर्धा मूल्य पर चीज दे रहा है लेकिन उस वस्तु की गारंटी कि वह कम मूल्य पर भी अच्छी ही वस्तु जैसी होनी चाहिए उस वस्तु को वह आपको दे रहा है, इसका आश्वासन उसे देना होगा। अगर वह वस्तु खराब निकलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे का मांग करना। अब सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए और उनसे लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण किया है, जिसे हम संक्षिप्त में CCPA कहते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका गठन किया है। यह अथॉरिटी उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। आज हम टीवी के ऊपर देखते हैं, पेपर में देखते हैं, बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आते हैं जो भ्रमित करते हैं, जो जनता को भ्रमित करते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं। तो ऐसे विज्ञापनों की देखभाल या ऐसे विज्ञापनों पर आप शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं और इसको जांच करने का अधिकार इसके पास में होगा। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा भी होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन स्वयं भी कर सकती है। अगर शिकायत दर्ज की जाती है तो वो उसकी जांच करेगी और खुद अपने आधार पर भी किसी चीज़ के ऊपर जांच कर सकती है। CCPA क्या काम करेगी तो उसकी भी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई थी। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच, इन्वेस्टिगेशन और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच करेगी, शिकायत होने पर स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जानकारियां जुटा सकती है और उपयुक्त मंच पर उसके लिए कानूनी कार्रवाई का भी कार्य वह कर सकती है। आपने बीच में देखा होगा मैगी के ऊपर हुआ था, मैगी के जो विज्ञापन थे उसके ऊपर था, दूसरी चीज़ों को एंडोर्स करने वाले हैं। अभी आप देखें तो MPL को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है, PIL लगी है कि यह लोगों को सट्टा खेलने के लिए प्रेरित कर रही है, तो शिकायत वहां पर दर्ज हुई है। दूसरी बात, जोखिमपूर्ण वस्तुओं को रिकॉल करने या सेवाओं को विड्रॉ करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद करना। अब आप देखते होंगे कि कई बार कंपनियां गाड़ी लॉन्च करती है, शिकायत आने पर वापस गाड़ियों को ले लेती हैं, रिकॉल करती हैं, मार्केट से चीज़ों को कंपनियां विड्रॉ करती हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कुछ बैच है उसमें कोई कमी है, उसकी शिकायत दर्ज हो रही है, तो कंपनी अपनी साख को बनाए रखने के लिए उनको मार्केट से विड्रॉ कर लेती है या उनको रिकॉल करती हैं। तो उनको रिकॉल करना, उसके कारण जो चीज़ें लोगों ने खरीद लिया है, उपभोक्ताओं ने खरीदा है, उसके कारण उसको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने का काम भी, आदेश देने का काम भी करेंगी। संबंधित ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, एडवाइजर, प्रकाशन को झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करना कि जो संबंधित व्यापारी वर्ग है या कंपनी है जो उत्पाद को बना रही है, अगर वह उस उत्पाद को लेकर के कोई भ्रामक विज्ञापन दे रहा है और उसको एंडोर्स करने वाले व्यक्ति उसको कर रहे हैं, तो उन दोनों के ही जो है यह संस्था आदेश दे सकती है कि यह आप इसे बंद करिए
या आप अपनी बात को यहाँ पर स्पष्ट करिए। जैसे रामदेव जी का वो विज्ञापन अगर आपको ध्यान हो, अभी कोविड का समय चल रहा है और उनकी जो कोरोनिल दवाई थी उसके लिए उन्होंने का विज्ञापन आया था कि यह इसको कोरोना से रोकती है, तो उस विज्ञापन को उन्होंने रोकने के लिए कार्य किया था कि आप अभी तक इसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, आप ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसको चेंज करके कहा था कि इम्यूनिटी यह बढ़ाती है व्यक्ति की, तो इस प्रकार यह कार्य करती है कि भ्रामक विज्ञापन जो है उसे बंद करो या उसमें सुधार जो हो सकता है उसके बारे में बताएगी। जुर्माना भी लगा सकती है, अगर आप उसने आदेश दिया और आपने उसके पालना नहीं करी तो जुर्माना लगा सकती है, और जुर्माना लगाने के साथ साथ आपको उस विज्ञापन को बंद करने और सुधारने दोनों का भी आदेश वह दे सकती है। दोनों चीज़ें साथ, बंद करने का भी कह सकती है और साथ में जुर्माना लगा सकती है, या सुधारने का आदेश दे करके साथ में जुर्माना भी लगा सकती है। नेक्स्ट, खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति उपभोक्ता को सेफ्टी नोटिस जारी करना। कि खतरनाक और असुरक्षित वस्तुएं हैं वो मिली है और उनकी सेवाएं दे रही हैं, तो उपभोक्ताओं को किस प्रकार का उसका प्रावधान देना चाहिए, वह अगर नहीं दिए हैं तो वह नोटिस जारी कर सकती है कंपनियों को। नेक्स्ट, झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। मैंने आपको बताया था कि भ्रामक विज्ञापन है तो उस पर जुर्माना लगा, तो कितने तक का लगा सकती है? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कंपनी के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है, और जो उसको प्रोडक्ट को एंडोर्स करने वाले व्यक्ति हैं उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। अगर कंपनी, मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर दूसरी बार अपराध की स्थिति में 50 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर कर सकती है। मैन्युफैक्चरर को 2 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ा सकती है। और इसी अफवाह से एंडोर्सर को उस विशेष उत्पाद या सेवा को 1 वर्ष तक एंडोर्स करने के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, और एक से ज़्यादा बार अगर वह अपराध कर रहा है प्रतिबंध की अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ऐसे कई अपवाद हैं जब एंडोर्सर को ऐसी सजा का भागी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैकी और इनके विज्ञापन आए थे तो इनका जो एंडोर्सर थे उनको किसी भी प्रकार से पनिश नहीं किया गया था। कंपनी के ऊपर, इनके विज्ञापन के ऊपर कुछ समय तक के लिए सरकार ने बैन लगाया था, लेकिन इनको किसी प्रकार का जुर्माना जो है जो एंडोर्स करने वाले लोग थे उनके ऊपर नहीं लगा था। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, या हम कहें कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CDRC, 3 स्तरों पर यह कार्य करता है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निवारण किया जाता है। एक उपभोक्ता निम्नलिखित संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है, अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार कर रहा है कोई तो उसके प्रति, दोषपूर्ण वस्तु और सेवाएं दे रहा है तो वहां पर, अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, MRP से अधिक पर अगर वह सामान बेच रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं, अगर उसको आप कर रहे हैं तो वह गलत श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRC में फाइल की जा सकती है, जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी, और राज्य के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जो रिड्रेसल सेल है आपकी वहाँ पर सुनवाई होगी। अंतिम अपील का जो अधिकार होगा वह सर्वोच्च न्यायालय के पास में होगा। अब 3 स्तरों पे हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो रिड्रेसल कमीशन है वह 3 स्तरों पर, तो 3 स्तरों में क्या क्या उनका क्षेत्राधिकार रहेगा। जिला स्तर पर उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, अर्थात 1 करोड़ रुपए से कम तक के मामले ही
डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सुने जाएंगे, अगर उससे ज़्यादा के हैं तो फिर वह स्टेट लेवल का जो सीआरडीसी बनेगा वहाँ पर सुने जाएंगे। स्टेट लेवल के अगर हम देखें तो 1 करोड़ से अधिक, लेकिन 10 करोड़ से कम है तो वह राज्य में, और 10 करोड़ से भी अधिक कीमत की वस्तु और सेवाओं के संबंधित शिकायत है तो वह राष्ट्रीय स्तर की जो सीडीआरसी होगी वहाँ पर सुनी जाएगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी, उपभोक्ता के अंतर्गत प्रोडक्ट का बहुत अधिक महत्व है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? तो उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोडक्टर या विक्रेता की जिम्मेदारी। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा, जो उसके अंतर्गत दे रखी हैं चीज़ें कि क्या खराबियां हैं, किन किन खराबी के आधार पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, तो कोई ना कोई एक खराबी आपको वहां पर प्रूव करनी होगी कि ये चीज़ यहां पर इसलिए खराब है, खराब थी, मुझे मिली तो ये खराबी इसके अंतर्गत है। तो आपको कम से कम एक शर्त जो है वह पूरी करनी होगी, तभी आप उसके लिए जा सकते हैं। अब जो पुराना विधेयक था उसकी अपेक्षा इसमें क्या फ़ायदे हुए हैं तो उसकी हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता के पास एक ही विकल्प है जिसमें अधिक समय लगता है, लेकिन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था शामिल की गई है। पहले त्वरित न्याय की व्यवस्था शामिल नहीं थी, अब इसको यहाँ पर रखा है। दूसरी बात, भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जिससे जो मामले हैं उनके अंतर्गत कमी आ सके। पहले मिलावट के लिए कठोर नियम नहीं थे, लेकिन अब मिलावट से संबंधित मामले भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं और कठोर दंड की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तीसरी बात कह रहे हैं, दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को जिम्मेदार मानने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा जो प्रोडक्ट निर्माता हैं वो लायबल होंगे, वह दोषी माने जाएंगे किसी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले जो ढूंढना पड़ता था कि ये किसका है, क्या है, किससे खरीदा, क्या खरीदा, इन सब चीज़ों पे अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं से भी खरीदा है लेकिन अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर के खिलाफ। नेक्स्ट, उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुद्दों में ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के नियमों को प्रावधान जो है उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया है, क्योंकि ई कॉमर्स का जमाना है, ई बिजनेस का जमाना आ गया है, तो उसको यहाँ पर जोड़ा गया है। 84 का जो कानून था उसके अंतर्गत यह स्थितियाँ नहीं थी, क्योंकि उस समय ई कॉमर्स या ई बिजनेस इतना अधिक महत्वपूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ पर जुड़ गए हैं। अब देखें, उपभोक्तावादी जो संस्कृति विकसित हो गई है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। हम दुष्प्रभावों की ही बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उपभोक्तावाद एक घातक प्रवृत्ति के रूप में भारतीय समाज में फैल रहा है। बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा जो है भारतीय समाज के अंतर्गत इसके कारण जुड़ रही है और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होड़ कर रहे हैं और उसके लिए गलत कार्यों को भी वे कर रहे हैं। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है यह देखें तो पश्चिमी देशों से जब भारत का संपर्क बहुत अधिक होने लगा तो वहाँ से आई, और वहाँ पर से यह सबसे पहले अभिजात वर्ग जो हमारा इलीट क्लास है, टॉप क्लास, उसके अंतर्गत यह जन्म लेने लगा या उसके अंतर्गत यह पनपने लगा, और उस वर्ग में भी उन वस्तुओं की पाने की होड़ लग गई जिससे
व्यक्ति की समाज के अंतर्गत बहुत अधिक प्रतिष्ठा बढ़ती है या पश्चिमी देशों के अंतर्गत उनका महत्व बहुत अधिक देखा जा सकता है। अब स्थिति यह हुई कि इन वस्तुओं की उपलब्धता जो थी वो सामाजिक प्रतिष्ठा का तो सूचक बनी, इसके कारण इसको मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, वो भी उसके लिए प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। अब उनको प्राप्त करने के लिए उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, और संसाधन नहीं थे क्योंकि प्रतिष्ठा का सूचक था, इसलिए व्यक्ति खरीदना भी चाहता था, तो उसने भ्रष्टाचार को प्रारंभ किया। छोटा छोटा भ्रष्टाचार जो है छोटे स्तर पर वह भी वहाँ पर प्रारंभ होने लगा, क्योंकि चीज़ों को पाने की जो उत्कट अभिलाषा थी वह अब उसके मन में जागृत होने लगी। आप कई बार टीवी के ऊपर विज्ञापन देखते हैं और आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। विज्ञापन इस प्रकार का होता है कि आप उनको खरीदने के लिए लालायित होते हैं, और आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आप उसको ये न किन प्रकार उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो गलत कार्य भी उसके अंतर्गत करते हैं, और किसी भी प्रकार का गलत अनैतिक कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अभिजात वर्ग जो है, यही अभिजात वर्ग हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके शीर्ष पर विद्यमान रहा, उस पर उसका बहुत अधिक पकड़ या हस्तक्षेप वहाँ पर रहा, और परिणाम स्वरूप देश के जो संसाधन हैं वह आम लोगों की जरूरत में जो प्रयोग होने चाहिए थे और उनके विकास में काम आने चाहिए थे, वह कई बार यह देखने को मिलता है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति की भेंट चढ़ गए हैं। वस्तुओं के निर्माण की जगह पर उपभोक्तावादी वर्ग जो है उनकी जरूरत को पूरा और उनकी सुविधाओं के निर्माण में अधिक खर्च किया जा रहा है, जबकि आम व्यक्ति की सुविधाओं के लिए जो खर्च किया जाना चाहिए था वह खर्च हमको देखने को नहीं मिलता है। अब उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्योंकि वस्तुएं तो वही निर्माण करेंगे तो उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उद्योग किसके हाथ में है? पूंजीपतियों के हाथ में है। अब पूंजी का जो निवेश है वह प्रारंभिक रूप में जब आपको नई चीज़ों का निर्माण करना है तो विदेशों के ऊपर आपकी निर्भरता है, क्योंकि विदेशों में वो वस्तु बन रही है और अब हम उसको अपने यहाँ, तो हमको टेक्निक कहाँ से लेनी है, प्रौद्योगिकी कहाँ से लेनी है? बाहर से। जब बाहर से हम प्रौद्योगिकी को ले रहे हैं तो खरीदने के लिए भारतीय मुद्रा बाहर जा रही है, तो गैर जरूरी मशीन और तकनीकों की आयात से भारतीय मुद्रा को जो नुकसान पहुंच रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में मनी का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है वह देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम कहें प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, और इस अत्यधिक दोहन के कारण हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ों की हम कटाई करते जा रहे हैं और एसी की ज़रूरत हमें महसूस होने लगी है, क्योंकि जब पेड़ कट रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम हो गया गर्मी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पेड़ों के कारण कम रहता था वह अब कमी नहीं हो रही और वह टेम्परेचर बढ़ रहा है। इधर हम गर्मियों के बचाव के कारण हमको एसी और कूलर चलाने पड़ रहे हैं, जिससे कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और वह और भी जो तापमान है उसको बढ़ा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जिन वस्तुओं की हमको आवश्यकता नहीं है वे वस्तुएं भी अब हमारी आवश्यकता के रूप में इन गलत गतिविधियों के कारण जुड़ती जा रही है, और जिसके कारण पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमारे वह खत्म होते हुए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखें उपभोक्तावादी जो संस्कृति है भारत के अंतर्गत उसने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण लोग भी उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उन वस्तुओं से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, सम्मान का सूचक है, तो वह उसको खरीद रहे हैं। उनके पास जो धन हुआ करता था
जिसको वह सेवा कार्यों के अंतर्गत खर्च करते थे, आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते दिखावे के अंतर्गत खर्च किया जा रहा है। समाज में नैतिक मूल्य जो हैं, इसके कारण उसमें बहुत अधिक गिरावट आ गई है। व्यक्ति किसी भी तरीके से चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, ये न के न प्रकारेण वह वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, तो नैतिक मूल्य जो थे समाज के अंतर्गत, सत्यम शिवम सुधर्म की जो घटना थी भारतीय समाज के अंतर्गत, आध्यात्मिक उन्नति की जो बात की गई थी, वह सारी अब यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आती है। और इन सब चीज़ों के कारण व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो तनाव है, वह तनाव बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि हमेशा उसे किसी न किसी चीज़ के लिए को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है। तो आध्यात्म जो था उसका, वह समाप्त हो गया, आध्यात्मिक संस्कृति के साथ उसका जुड़ाव जो है वह समाप्त हो गया, और अब उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ उसका जुड़ाव हो गया, और जीवन जो है वह अत्यधिक तनावपूर्ण होने लगा। और जब तनावपूर्ण जीवन व्यक्ति जीवित जी रहा है, तो उससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो नुकसान है वह देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उन्होंने भी कहा कि उपभोक्तावाद हमारे समाज की नींव को हिला रहा है, यह हमारे समाज के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है क्योंकि हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। उपभोक्तावाद के साथ में जुड़ करके हमारी जो सत्यम शिवम सुंदरम समाज की, राम राज्य की जो कल्पना थी, वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई जा रही है। धन्यवाद।